अगर आपको बाहर जैसे क्रिस्पी करारे डोसे घर पे बनाने हैं तो उसके लिए आपको लोहे का यानी कि आयरन का तवा ही इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब भी आप उसके ऊपर डोसा बनाते हैं तो इस तरह से वो चिपक जाता है, या तो फिर आपका जो बैटर है वो आप आसानी से इसे फैला नहीं पाते और चम्मच के ऊपर वो चिपक भी जाता है। क्या ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आपको भी होती है जब आप डोसे का तवा जब लोहे का इस्तेमाल करते हैं तो? तो आज मैं आपके लिए लोहे के तवे के ऊपर आप नॉनस्टिक की तरह कैसे फटाफट क्रिस्पी करारे बाहर जैसे डोसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ, और साथ में परफेक्ट डोसा बैटर की भी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए हमारा जो बैटर है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 बाउल यानी कि ये जो एक बाउल है मेरे हाथ में, या आप उसे मीडियम साइज की कटोरी भी बोल सकते हैं, तो वो मैंने 4 बाउल बॉइल्ड राइस लिए हैं जिसे उकड़ी चावल बोलते हैं, और वो कोई भी प्रोविजन स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिर उसी कप के नाप से मैंने 1 कप और 2 टेबल स्पून उड़द दाल ली है, और साथ में ली है मैंने चना दाल, और थोड़े से मैंने मेथी सीड्स लिए है। 1/4 बाउल मैंने चना दाल ली थी और 10 से 12 मैंने मेथी सीड लिए है। तो दोनों को भिगाकर अच्छी तरह से रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी का जो नाप है वो सेट कर सकते हैं। तो 4 कटोरी आपको चावल लेने हैं, 1 कटोरी + 2 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/4 बाउल आपको चना दाल और 10 से 12 मेथी सीड लेने हैं। फिर उसे 8 से 10 घंटे के बाद ग्राइंड करके इस तरह के हाइट वाले डिब्बे के अंदर आप रख दे ओवरनाइट, या तो फिर 7 से 8 घंटे के लिए। तब आपका बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको थोड़ी देर ज्यादा लग सकती है इसे फर्मेंट करने के लिए। सर्दियों के मौसम में अक्सर 12 से 14 घंटे लग जाते हैं इसे फर्मेंट होने में। तो यहाँ पर मैंने जितना बैटर इस्तेमाल में लेना था वो अलग से एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब फैलाने के लिए हम इस तरह के जो चम्मच आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो कटोरी शेप वाला जो चम्मच है आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आसानी से फैला पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोटिंग है वो पीछे काफी मोटी है, तो डोसा बनाने के लिए हमें इतना गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। पानी मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हम सेट कर लेंगे। जब भी आप डोसा बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखें तो ज्यादा पतला ना रखें, नहीं तो क्या होगा कि फर्मेंट होने के बाद कई बार ही काफी पतला हो जाता है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर पानी मिलाकर इस तरह की कंसिस्टेंसी सेट कर ले और नमक मिला दे। आप जितना बैटर एक बार में इस्तेमाल में लेने वाले हैं उतने बैटर में ही आप नमक डालें। और अगर आप बैटर जब भी आप बैटर को इस्तेमाल करने वाले हैं उसी समय उसके अंदर नमक डालने से आपका बैटर काफी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी सेट हो जाने के बाद हम इस तरह के स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डोसा बनाने का स्पेशल स्पैचुला है जो आगे से काफी तेज धार वाला होता है, तो आप इनमें से कोई भी स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक बाउल के अंदर हम पानी लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर तेल। तो तेल और पानी का ये कॉम्बिनेशन हमारे डोसे बहुत ही लाजवाब बनाएगा। साथ में हमें चाहिए कॉटन का एक कपड़ा, इस तरह का जो नॉनस्टिक आता है आप उसके ऊपर भी डोसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जैसा करारा डोसा बनाना है तो आप लोहे के तवे का इस्तेमाल करें। इस तरह का नॉनस्टिक तवा भी मिलता है, लेकिन आज हम इस तरह के मोटे लोहे के तवे के ऊपर ही ये डोसा बनाने वाले हैं। बाहर अब जब हम डोसा खाते हैं तो इसमें इस तरह के लोहे के तवे का इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर डोसे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी साइज का जो बर्नर है उसका इस्तेमाल किया है, और लोहे के तवे को हमें इस तरह से रखना ही चारों ओर एक जैसे ही फ्लेम इसके ऊपर लगे और हमारा जो डोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी बने। तो पहले तो हम लोहे के तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और साथ में डालेंगे 1 चम्मच तेल, और फिर चारों ओर तेल को इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। जब आप इसके ऊपर 10-15 बार डोसे बना लेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार में ही डोसे बनाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर उसके ऊपर बैटर फैला देते हैं, लेकिन गर्म गर्म तवे के ऊपर जब आप बैटर फैलाने के लिए जाएंगे तो वो अच्छी तरह से फैलेगा नहीं, और आपका जो लैडर यानी कि चम्मच है उसके ऊपर वो चिपक भी जाएगा।
तो सबसे पहले तो लोहे की तवे को अच्छी तरह से गर्म करना होता है और फिर उसका जो टेम्परेचर है वो हमें डाउन करना होता है। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जो डोसा चिपक गया है उसे निकाल देते हैं। गर्म तवा है तो आप बहुत ही आसानी से इसे कुरेश कुरेश कर निकाल पाएंगे। तो अच्छी तरह से इसे हम निकाल देंगे। पहले वाला जो डोसा है उसका कोई भी बैटर इसके ऊपर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से कुरेश कुरेश कर इसे आप निकाल दें। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारा बैटर अभी भी चिपके हुए इसके ऊपर है। तो मैं इस तरह का जो बहुत ही शार्प स्पैचुला है उसे उसे निकाल देती हूँ। इस तरह से पहले हम तवे को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर हमने जो तेल और पानी का कॉम्बिनेशन करके एक मिश्रण तैयार किया था तो उसमें कॉटन का कपड़ा लगाकर तवे को रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से पहले तो हम साफ कर लेंगे। अब ये फिर से हल्का गर्म हो गया है तो इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। बीच में से बाहर की ओर घुमाते हुए हम बैटर को फैला देंगे। अब हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि हमारा जो डोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी बने। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस तरह से आपको ये थोड़ा सा पका हुआ दिखाई दे तब हम इसे स्पैचुला से इस तरह से निकालते जाएंगे। हो सकता है कि शुरू में 2 से 3 आपके जो डोसे वो इस तरह से बिगड़ जाए यानी कि आप बहुत ही आसानी से उसे निकाल ना पाए। लेकिन आपको ये स्टेज के ऊपर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस 2 या 3 डोसे ही आपको इस तरह से निकालने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी लेकिन बाद में आपके सारे डोसे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और ये डोसे भी आप खाने के इस्तेमाल में तो ले ही सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसे 1-2 डोसे बिगड़ जाने पर हार मान लेते हैं लेकिन हमें हार नहीं माननी है और हमारा जो एफर्ट्स है वो जारी रखना है। तो फिर से हम इसको एक सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमने जो ये तेल पानी का मिश्रण तैयार किया था उसका एक कॉटन कपड़ा हमें इसमें डुबो कर फैलाना होता है ताकि उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाए। फिर से हम डोसा बैटर फैला देंगे। बीच में अगर थोड़ा सा मोटा रह गया है तो फिर से आप उसे इस तरह से फैला दें। गैस की फ्लेम को हाई रखना है। तेल डाल देंगे। बटर डालने से डोसे का कलर बहुत ज्यादा अच्छा गोल्डन आता है। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। जब इस तरह से डोसा आपको थोड़ा सा पका हुआ दिखाई दे तब फिर आप स्पैचुला से उसे निकाल सकते हैं। इस तरह का शार्प स्पैचुला लेंगे तो आपका जो डोसा है वो बहुत आसानी से निकल आएगा। आप देख सकते हैं ना कि हमारा जो डोसा है वो कितनी आसानी से निकल गया जैसे हम नॉनस्टिक के ऊपर इसे बना रहे हैं। अब आपके सारे डोसे तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरा जालीदार डोसा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम बाकी के डोसे भी फटाफट से तैयार कर सकते हैं। बस शुरुआत में आपको ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन जैसे जैसे आपका तवा ग्रीस होता जाएगा और स्मूथ होता जाएगा आप बहुत आसानी से ऐसे क्रिस्पी कुरकुरे डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।